Good morning, class. Now we have another type of cooperative society. Earlier we have covered three types of cooperative societies, like consumers cooperative society, producers cooperative societies, and then we had marketing cooperative societies. Now the another type of cooperative societies is farmers cooperative societies. As it is clear from the heading, it is related with the farmers. ऐसी cooperative societies जो स्पेशली फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्म की जाती हैं, वो सोसाइटीज कहलाती हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज. फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट्स एट रीजनेबल प्राइसेस. अब बीइंग अ फार्मर, व्हाट दे नीड, अब उन्होंने कुछ भी गुड्स का, किसी भी क्रॉप का कल्टिवेशन करना है, फॉर दैट दे नीड वेरियस टाइप ऑफ इनपुट्स, जैसे सीड्स की रिक्वायरमेंट है, फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट है, पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है. ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. अब एक कोई फार्मर है, उसे अपनी कोई क्रॉप कल्टिवेट करनी है, तो उसे इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं, इन स्मॉल फार्मर्स को हेल्प करती हैं कि उन्हें बेटर इनपुट्स प्रोवाइड किए जाए एट रीजनेबल प्राइसेस. Consist of small farmers to avail the benefits of large scale farming. That means कि ये जो cooperative societies हैं, इनका main aim होता है उन small farmers की help करना, जो कि जिन्हें large scale पे production provide करा सके. ऐसे farmers जिनको better input की requirement है, या फिर ऐसे farmers जिनकी help करके ये जो farmers हैं, ये अच्छे गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लार्ज स्केल पे गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं. अगर हम बेटर इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर बेटर इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, ये जो फार्मर्स हैं और ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन कर पाएंगे, प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स. और क्या काम है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, इन स्मॉल फार्मर्स को क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करना, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और अदर मॉडर्न टेक्निक्स प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सके. बिकॉज टुडे इज द एरा इन विच इफ यू वॉन्ट टू यील्ड अ गुड प्रोडक्शन, फॉर दैट यू नीड टू यूज द मॉडर्न टेक्निक्स. तो ये सारी मॉडर्न टेक्निक्स, ये फर्टिलाइजर, सीड्स, ये सब कौन प्रोवाइड कराता है, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू द स्मॉल फार्मर्स, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स. Not only improves the yield and returns to the farmers, also solve the problems associated with the fragmented land holding. Very important point, ध्यान से देखेंगे class. ये सिर्फ जो ये जो cooperative societies हैं, इनसे ना ही farmers का production ज़्यादा होता है, और साथ इनके production के बढ़ने के साथ साथ इनका profits भी बढ़ता है. और साथ ही में जैसे कुछ farmers होते हैं जिनके fragmented land holdings, क्या होता है fragmented land holdings, जैसे scattered land, कि एक छोटा प्लॉट एक जगह है, एक दूसरा छोटा प्लॉट एक और जगह है, एक छोटा प्लॉट किसी और जगह पे है, तो इन सबको कंसोलिडेट कराने में भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनकी हेल्प करते हैं. नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. एज इट इज क्लियर फ्रॉम द हेडिंग कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि फॉर्म की जाती हैं क्रेडिट पर्पस के लिए. क्रेडिट का मतलब, जैसे आपने लोन प्रोवाइड करना है, स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं जिन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उनको आप लोन्स प्रोवाइड कराते हो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. तो ऐसी सोसाइटीज, ऐसी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमारे फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फॉर्म की जाती हैं, वो सोसाइटीज कहलाती हैं क्रेडिट cooperative societies. Okay, these are formed for providing easy credit on reasonable terms to the members. जो भी इस cooperative societies के members होते हैं, उन्हें easy terms पे, reasonable terms में credit provide कराने के लिए, loan provide कराने के लिए इस type की societies form की जाती हैं. Members comprise of persons who seek financial help इन द फॉर्म ऑफ लोन. और इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स कौन होते हैं, वो लोग, वो पर्सन जिन्हें फाइनेंशियल
हेल्प की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ लोन, कि जिन्हें अपने डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे पर्सन इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनते हैं। एम इज टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेंडर्स हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों बनाई जाती है ये ऑर्गेनाइजेशंस? क्योंकि ताकि हम उन फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर सकें उन मनी लेंडर के एक्सप्लॉयटेशन से जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मनी लेंडर का क्या काम होता है? लोन देना, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उन लोन्स पे। तो उन सारे मिडिलमैन और इन सारे मनी लेंडर्स को रिमूव करने के लिए ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म की जाती हैं। प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स आउट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड एज कैपिटल एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं ये लोन कैसे देती हैं, इनके पास लोन के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो जो भी इस सोसाइटीज के मेंबर्स होते हैं, जितना जितना कैपिटल हर एक ने कंट्रीब्यूट किया होता है, उन्हीं कैपिटल का यूज करके वो एज अ लोन प्रोवाइड करते हैं एंड चार्ज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आप लोगों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ा होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी यही होता है कि जो लेडीज होती हैं वो जितना जितना पैसा उनके पास होता है इकट्ठा करके जिस पर्सन को, उस मेंबर में जिसको रिक्वायरमेंट होती है, उसको हेल्प कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, और उसके बदले में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। यही काम हमारे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी करते हैं कि जो भी पैसा इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उस पैसे को एज अ लोन यूज किया जाता है और उस मेंबर को प्रोवाइड किया जाता है जिन्हें उन फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। Now the last cooperative societies is cooperative housing societies. ये भी टर्म से समझ में आ रहा है, which is related with the housing facilities. तो ऐसी societies जिसमें उस society के members को constructed house मिलते हैं, constructed flats मिलते हैं, उनकी help, ऐसे लोगों की help करने के लिए जो कि जिनको घर की ज़रूरत होती है, उनके लिए बनाई जाती हैं ये cooperative housing सोसाइटीज। क्या कह रहे हैं देखो, फॉर्म टू हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी लिमिटेड इनकम होती है, टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। अब फॉर प्रोवाइडिंग द हाउसिंग फैसिलिटीज, ऐसे लो इनकम ग्रुप वाले लोगों को हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को फॉर्म किया जाता है, जिसमें उन्हें हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करके दिया जाता है एट रीजनेबल कॉस्ट। Members consist of people who are desirous of procuring residential accommodation at lower cost. अब इन societies के members कौन होते हैं? ऐसे लोग जिन्हें कम cost में एक residential accommodation की requirement होती है, जो कि चाहते हैं कि हमारे पास एक घर हो जो कि हमें कम rate में मिले। Aim is to solve the housing problem of the members. Basically housing की problems को solve करने के लिए ये cooperative सोसाइटीज को फॉर्म किया जाता है। बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस एंड गिविंग द ऑप्शंस ऑफ पेइंग इन इंस्टॉलमेंट। कैसे कि ये लोग, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं, इन मेंबर्स के लिए हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करती हैं और उन्हें ऑप्शंस देती हैं कि आप हमें इंस्टॉलमेंट में इसका पेमेंट कर सकते हैं। दी सोसाइटीज कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स और प्रोवाइड प्लॉट्स टू द मेंबर। अब ये सोसाइटीज क्या करती हैं, या तो कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स प्रोवाइड करती हैं अपने मेंबर्स को, या फिर प्लॉट्स प्रोवाइड कर देती हैं ताकि आप अपनी मर्जी से उन प्लॉट्स पे अपनी चॉइस का हाउस कंस्ट्रक्ट कर सको। तो ये जो हमारी बेसिकली जो ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इनका काम होता है हाउसिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं लो इनकम क्लास की, उसे सॉल्व करना, उन्हें इंस्टॉलमेंट के ऑप्शंस देना ताकि वो अपनी अकोमोडेशन को परचेज कर सकें।